आशा महना पंजुआ जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण राखन जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिभ लाओ रहाओ। वेद शास्त्र जनत्या में तरन को संसार कर्म धर्म अनेक क्रिया सब ऊपर नाम आचार काम क्रोध अहंकार बिन से मिले सतगुरु देव नाम दृढ़ कर भगत हर की पली प्रभ की सेव चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रवतान। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारी गुरबाणी आद तो अंत तीकर गुरमत दे मार्ग ते चलन वाले हर प्राणी मात्र इको एक प्रेरणा कर रही है कि उस परमात्मा तो बिना होर तेरा कोई संगी साथी नहीं। ये ठीक है कि साडे इर्द गिर्द कई तरह के कर्म धर्मां का जंजाल है और लोग कर भी रहे हैं, असी किसी नूं वर्ज भी नहीं सकते। हाँ, अपने मन नूं समझाया जा सकता क्योंकि गुरबाणी इन्हां कर्म धर्मां ते कोई विश्वास नहीं रखती। गुरबाणी दा ये तत् सार है, निचोड़ है। बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सरब टंडोल पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल। कितने कर्म धर्म कर लो, एक परमात्मा दे सिमरन तो बिना सब जीरो हैं। मैं पढ़ रहा सी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत दा उदार करते हुए एक नगर विच गए। नगर वासियां ने पातशाह दा उपदेश सुनिया, कहने लगे महाराज असी दुनियादार लोग हाँ, सानू कोई ऐसा सौखा तरीका समझाओ जिदे नाल असी परमात्मा दा सिमरन कर सकी। तो गुरु पातशाह ने बड़ी कृपा की थी, प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान है। गुरु पातशाह ने कहा देखो भाई, सब तो पहला ये निर्णय करन दी लोड़ है कि केड़ा काम जरूरी है ते केड़ा गैर जरूरी। कहन लगे महाराज सानू तुसी समझाओ। कहंदे इस तरह करो, एक सलेट लियाओ ते एक सलेटी लियाओ। सलेट सलेटी महाराज दे हुक्म नाल आ गई। कहन लगे लो हुण सलेट दे उत्ते सलेटी दे नाल सिफर दे निशान पाओ, जीरो लिखो। हुक्म मन के एक दो चार पांच छे जीरो लिख दिती। आख्या दसो की लिखिया है। कहंदे जी जीरो है, इहदे विच कोई भुलेखे वाली गल नहीं है ते सिफर है। कहंदे हुण इहदे खब्बे पासे एक एका पाओ। जदों एका पाया ते सतगुरु कहणगे हुण दसो ये की है। कहंदे महाराज एका पाउण दे नाल
हर जीरो दी कीमत 10 गुना हो गई। बस महाराज कहन लगे, एक तो बिना ये जितने कर्म कांड ने सब जीरो ने। जब तक असी एक दा सिमरन नहीं करते, एक दा पल्ला नहीं फड़ते, ये जिहड़े कर्म धर्म ने ये तां साडे रस्ते दियां रुकावटां ने। क्योंकि हर धर्म कर्म करके मन विच अहंकार आ जांदा ते ये जीरो हो जांदे। इसे लिए महाराज ने बाणी विच फरमाया, कर्म धर्म पाखंड जो दीसें, तिन जम जा घाती लूटै, निर्बाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। आख्या ये जिहड़े कर्म धर्म ते दिखावे दे कम ने, इन्हां नूं ते जम रूपी जगाती ने राह विच ही लुट लैणा। क्योंकि देखण विच आया कि जिहड़ा जिहड़ा जिस कर्म धर्म विच लगा होया उन्हूं उसका अहंकार है, ते जिहड़ा कम धर्म दा करके अहंकार कर लो वो नाल दी नाल जीरो हो जांदा। जिवें धन गुरु तेग बहादुर जी ने फरमाया, तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरै गुमान, नानक निफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। आख्या तीर्थां ते जाके बर्त रख के दान करके इशनान करके जदों बंदा अहंकार करदा ये सब मिट्टी हो जांदे। ऐं मिसाल दित्ती है जिस तरह हाथी डूंघे पानी विच इशनान भी कर लैंदा पर बाहर निकल के फिर अपनी सुंड नाल सुआ मिट्टी अपने शरीर ते पा लैंदा। इसी तरह दुनिया के अंदर बड़े बड़े धर्म कर्म करने वाले लोग देखे हैं, दान करने वाले देखे हैं, पुन करने वाले देखे हैं। इसलिए महाराज ने निचोड़ कढ़ के दे दिता, बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब ढंडोर, पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमोल, साई नाम अमोल कीमन कोई जान दो। आख्या परमात्मा दा नाम सब तो अमोलक है। जिस तरह एके दे लगन तो बिना बाकी सब जीरो है, इसे तरह एक परमात्मा दे सिमरन तो बिना ये सारे कर्म कांड साडे रस्ते दी रुकावट ने। खोजत खोजत तत बिचारे हो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। हुण महाराज इस शब्द दे अंदर उस परमात्मा दे सिमरन दी प्रेरणा करदे ने ते नाल ही उस दे गुणा तो जाणू कराउंदे। पर ये सारी खेड है मन दे नाल। इसलिए महाराज कहिंदे ने, मेरे मन, हुण तां बहुत वार संगत ने सुन लिया कि जे मन दे नन्ने नूं औंकड़ होवे ते मन नऊन है, ते जे मन दे नन्ने दा औंकड़ हट जाए ते मन संबोधन है, ते जदों मन नूं संबोधन करना है फिर उहदे नन्ने दा औंकड़ हट जाए। जे नन्ने नूं सहारी ते मन विच मन द्वारा, ते जे टिप्पी भी लग जाए ते मनण दी गल है। इत्थे हुण असीं इस तरह पाठ करना है, मेरे मन ध्याए हर हर नाउ। हे मेरे मना ध्याए ध्याउणा कर, हरी दा नाम ध्याउणा कर, हरी दे नाम दा सिमरन करना कर। मन बड़ा होशियार है फिर जी की होवेगा,
महाराज कहते हलत पलत सहाय संगे, हलत दे तत्ते नू सियारी है, पलत दे तत्ते नू सियारी। हलत दा मतलब है इस लोक विच, पलत दा मतलब है परलोक विच। एक नाम है जेड़ा तेरे नाल तेरी सहायता करे। पढ़ते रोज हाँ कि जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जहाँ महा भयान दूत जम दलै, ता केवल नाम संग तेरे चले। हलत पलत सहाय संगे, एक परमात्मा का नाम है जेड़ा लोक पर लोक विच तेरे नाल निभेगा और तेरी सहायता करे। इसलिए एक स्यों लिव लाओ, एक परमात्मा दे नाल लिव लाउणी कर, होर कर्म कांडा विच ना फस। क्योंकि बाणी विच निचोड़ कढ के दिता, सिमरित वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। नाम निधान अपार भगता मन वसै, दुख दर्द सब रोग माए मेंढा हब नसै। एक परमात्मा का सिमरन ऐसा है जेड़ा तेरे सारे दुखों का नाश कर सक। ये है शब्द दी रहाओ दी पंगति, मेरे मन त्याए हर हर नाओ। हलत पलत सहाय संगे, एक स्यों लिव लाओ। देखो कईयां नाल लिव लाउणी किन्नी औखी है। ओनू मनो के ओनू मनो के ओनू मनो, इसे लिए जगत गुरु गुरु नानक पातशाह ने मेहर की थी। आख्या एक नाल जुड़ो, एको है भाई एको है, साहेब मेरा एको है। एक नाल लिव लाउणी सौखी, पर मन की छेती तसली नहीं होंदी। इनू समझाउणा पैंदा भई परमात्मा दे गुण की ने, उहदे परउपकार कितने ने। जियो मन तन प्राण प्रभ के, आ जो कुछ तेरे कोल है, चाहे तेरी जिंद है, चाहे तेरा मन है, चाहे तेरा तन है, चाहे तेरे श्वास सहन, ये सब परमात्मा दे दते हुए। जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग। आ जितने रस हैं, खट रस कहे जाते, मिठे सलूने चटपटे स्निग्ध, ये सारे भोग जो तू भोगदा है, ये सब उस परमात्मा ने दिते हैं। ये पहली गल याद रख, ददा दाता एक है सबको देवनहार। देंदे तोट न आवई अगणत भरे भंडार। ये पहली पंक्ति दे अर्थ चंगी तरह समझ लै भाई। मन नू समझाउणा है, मन छेती नहीं समझना। मन कोल बड़ियां हुजतां हन, बड़ियां दलीलां हन, पर जदों असी गुरु के शब्द राही मन नू समझावांगे फिर की होवेगा। ज्यों मंदर को थामै थम्मन, त्यों गुरु का शब्द मने असथम्मन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे। गुरु की गल नू ध्यान नाल सुनिए समझिए ते मनी। फिर महाराज कहने दीन बंदब जी दाता शरण राखण जोग। दीना दा बंदब है जिन्हां दा कोई नहीं, उन्हां दा परमात्मा। हर जियो निमाणिया तू माण, नचीजिया चीज करे मेरा गोविंद।
तेरी कुदरत को कुर्बान, दीन बंदब जी दाता, आत्मक जीवन दान देने वाला है तथा सब जीवन दान देने वाला, शरण राखण जोग, जिहड़ा शरण विच आ जाए उहदी रखवाली करन दे योग है, समर्थ, भाव वह कदे किसी नूं निराश नहीं जाण दिंदा। बाणी भी जगह जगह ते पातशाह ने समझाया, जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ए बिरद स्वामी संगा, ए वाहिगुरु दा बिरद, जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ए बिरद स्वामी, वो कदे किसी नूं निराश नहीं होंदे। प्रभ की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुरु ध्याया। पहले पद विच महाराज ने सानू समझाउण लई ये गल्लां समझा आख्या, ये जिंद भी उसने दिती है, ये मन भी उसने दिता है, ये तन भी उसने दिता है, ये प्राण श्वास भी उन्हें दिते ने, और जो कुछ असी खांदे पुंजदे भोगदे हाँ ये भी उहदी बख्शिश है। ते जिन्हां दी कोई बाह नहीं फड़दा उहनां दा बंधप रिश्तेदार भी उह ही, ते शरण आया दी लजपत रखण वाला, किस किस दी मिसाल दित्ती जाए। इस लई मेरे मन ध्याए हर हर नाउ, हलत पलत सहाय संगे, एक स्यों लिवलाओ रहाओ, वेद शास्त्र जन ध्यावें, तरण को संसार। आख्या संसार समुंदर नूं तरन वास्ते लोग चार वेद भी पढ़ते हैं, खट शास्त्र भी पढ़ते ने, होर भी बड़ी स्टडी करते, चाहते सारे ने कि असी संसार समुद्र तो तर जाइए। पर कर्म धर्म अनेक किरिया, सब ऊपर नाम आचार। आख्या जितने कर्म हैं धर्म दे और अनेक तरह दिया किरियावां हैं, उन्हां दी गिणती मिणती नहीं कीती जा सकती, पर सब ऊपर नाम आचार। इन्हां सारे कर्मां धर्मां तो उत्ते परमेश्वर दा नाम है, और ये नाम ही जिहड़ा ये साडी सहायता कर सकता। इस वास्ते गुरदेव ने सानू ये मर्यादा ये कार्य समझा दिता। आख्या वेद पढ़न वाले भी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़न वाले भी पढ़ते हैं, और वो सारे इसे यतन विच ने कि असी संसार समुद्र तो तर जाइए, पर उन्हां कर्म धर्मां विच किधरे ना किधरे उलझ जाते हैं, होमे आ जाती है। इसलिए सब ऊपर नाम आचार, ताही धन गुरु तेग बहादुर जी ने फरमाया, भाई उसका नाम ही सदा कायम रहने वाला, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरे हो, गण का हूं गत पाई, पंचाली को राज सभा में, राम नाम सुदयाई, ताको दुख हरे हो करुणा में, अपनी पैज बढ़ाई, जे नर जस कृपा निदगायो, ताको भयो सहाई, कहो नानक में एही भरोसे, गही आन शरणाई, वेद शास्त्र जन त्यावें, तरन को संसार, कर्म धर्म अनेक किरिया, सब ऊपर नाम आचार। फिर पातशाह उहदे सिमरन दियां बरकतां होर दसदे, काम क्रोध अहंकार बिन सह,
मिले सतगुर देव, जेडे गुरु की सिक्ख्या नू मन लेंदे, जिन्हां नू गुरु की सिक्ख्या पा जांदी है, जेडे गुरु के दसे राह ते तुर पैंदे, उन्हां दे अंदरों सिमरन करन करके हौली हौली काम क्रोध अहंकार मिनसे ये सब नाश हो जाते, भाव उन्हां नू समझ आ जाती, उन्हां दे अंदर विवेक आ जाता, और विवेक की कसवटी ते परख के वो इन्हां विकारां दे प्रभाव विच आउण तो बच जाते। काम क्रोध अहंकार बिनते मिले सतगुरु देव, नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभु की सेव। आख्या इसलिए नाम दृढ़ करो ते कर भगत हर की, हरि की भगती करो, होर कर्म कांडा दे चक्कर विच ना पवो, भली प्रभु की सेव, सब तो उत्तम उस परमात्मा की सेव, उदा सिमरन, उदी बनाई हुई खलकत की सेवा करनी, ये सब तो उत्तम रस्ता। लव अखीर विच महाराज कहते, चरण शरण दयाल तेरी, हे वाहिगुरु, हे दया दे कर परमात्मा, मैं तो तेरे चरणा की शरण लई है, तू निमाणे मान, मैं निमाणे दा तू मान है, जी प्राण अधर तेरा, नानक का प्रभतान, तू ही मेरी जिंद दा प्राणा दा आधार है, नानक ने तेरा ही तान, तेरे ही जोर नू सब तो बड़ा मने। आम तौर ते जिथे नानक पद आउंदा सी रुक जाने, पर इत्थे क्योंकि नानक का जदो का के की को कह आ जाए फिर नानक ते रुकना नहीं। नानक जी अपने वलों कह रहे ने, हे प्रभु, किसे ने कोई आसरा तकिया, किसे ने कोई तकिया, मैनू तेरा आसरा, चरण शरण दयाल तेरी, तू निमाणे मान, जी प्राण आधार तेरा, नानक का प्रभतान। तां ते सात संगत, मैं ते हाथ जोड़ के बेनती करदा, जे तुसी इन्हां कर्मां धर्मां दे जंजाल विच्चों बचना चाहते हो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणी लगो ते एक नाल जुड़ जाओगे, वो एक जिहड़ा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, मेरे मन त्याए हर हर नाओ, हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिव लाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।